बड़ी खबर फरुखाबाद से आ रही है। यहाँ दो दिन पहले सड़क के किनारे फेंकी गई थी सरकारी दवाएं, एंटीबायोटिक डॉक्साइक्लिन कैप्सूल के बड़ी मात्रा में सड़क के किनारे डिब्बे मिले थे। जिलाधिकारी ने चैनल की खबर का संज्ञान लेकर जांच के दिए थे आदेश। सीएमओ ने सभी सीएचसी पीएचसी को जारी किया पत्र। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। सीएमओ को मौके पर मिला एंटीबायोटिक डॉक्साइक्लिन कैप्सूल का खाली गत्ता। सीएमओ ने डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट अस्पताल सीएमओ ऑफिस में पंजीकृत न होने पर सील करने के आदेश दिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद है ट्रस्टी। सीएमओ को ट्रस्ट में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से दवाइयों का मिला भंडारण और मिली अनियमितताएं। सीएमओ ने जांच कराकर अस्पताल सीएमओ ऑफिस में पंजीकृत न होने पर सील करने के दिए आदेश। थाना नवाबगंज क्षेत्र के मोहम्मदाबाद मार्ग पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट का मामला। यहाँ पर अस्पताल था लगा मुझे ट्रस्ट का है, लेकिन ये देखना हमारे यहाँ पंजीकरण है कहीं इसका, कि कोई भी चिकित्सा चिकित्सीय कार्य बिना सीएमओ परमिशन से नहीं हो सकता। अगर ये अवैध होगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा। और इससे पहले मैं नवाबगंज गया था, दवाइयाँ हमें मिली पूरी, डॉक्टर से अगले जिसकी जाँच कर रहे हैं हम, तो वो पूरी मिली है। पर सबसे बड़ी बात सर ये है कि आई कहाँ से दवाइयाँ रोड की? ये तो सर्च कर रहे हैं कहाँ से आएंगे। जनता हो रही ना हमारी, है ना।